साल के समापन पर झारखंड में सौगातों की बारिश होने वाली है। एक तरफ पीएम मोदी तो दूसरी तरफ सीएम हेमंत सोरेन झारखंड को लगातार कई तोहफे देने वाले हैं। चूंकि कई साल के बाद पीएम मोदी झारखंड की धरती पर पधार रहे हैं, लिहाजा झारखंड की धरती से ही पीएम मोदी पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त जारी करेंगे। लगभग 18,000 करोड़ की ये किस्त होगी। कमजोर जनजातीय समूह मिशन की भी साथ ही घोषणा करेंगे। महगामा हंसडीहा फोरलेन की आधारशिला भी पीएम मोदी रखेंगे। रांची में नया अकादमिक भवन की भी आधारशिला पीएम मोदी रखेंगे। आईआईएम रांची के नए कैंपस का भी पीएम उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ आईआईटी आईएसएम धनबाद के हॉस्टल का उद्घाटन करेंगे। निश्चित रूप से आप देखो, बड़ी सारी राष्ट्रीय योजनाएं झारखंड से ही उन्होंने लॉन्च की है। झारखंड से बहुत प्रेम और प्यार है। मन की बात में दर्जनों बार लाल किले के प्राचीर से भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धू कानू का नाम लिया उन्होंने, और दर्जनों बार मन की बात से आप ऐसे गांव टोले का किसानों को उन्होंने संबोधित किया, उनका नाम लिया। और ये सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ पद्मश्री बहुत सारे लोग झारखंड से, हमारे अशोक भगत जी, हमारे मुकुंद नायक जी, मधु मंसूरी जी, हमारी छुटनी देवी जो डायन प्रथा की थी, बलबीर दत्त जी, तो ये रांची के प्रतिष्ठा है और रांची के लोगों को का स्पंदन, रांची के लोगों का मर्म है। और प्रधानमंत्री जी बहुत बहुत प्यार झारखंड से, विशेषकर रांची की जनता से करते हैं। ये तो रही केंद्र से मिलने वाली सौगात, अब स्थापना दिवस पर झारखंड को क्या कुछ मिलने वाला है उसकी फेहरिस्त भी लंबी है। स्थापना दिवस के लिए रांची का मोराबादी मैदान तैयार है। सीएम खुद स्थापना दिवस एक दिन पहले कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर चुके हैं। लिहाजा अंदाज लगा लीजिए कि 15 नवंबर का ये दिन झारखंड के लिए खास क्यों है। सीएम हेमंत सोरेन यहां से अबुआ आवास योजना की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की भी शुरुआत की जाएगी। युवाओं के साथ खिलाड़ियों का भी सम्मान इस स्थापना दिवस पर सीएम हेमंत सोरेन करेंगे। साथ ही झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी भी लॉन्च की जाएगी। 10,000 युवाओं को जॉब लेटर मिलेगा। 5,000 क्षमता वाले लाइब्रेरी का रांची विश्वविद्यालय में शिलान्यास होगा। साथ ही 4,650 करोड़ की योजनाओं की सीएम हेमंत सोरेन शिलान्यास रखेंगे। 15 नवंबर को झारखंड राज्य का स्थापना दिवस समारोह है, लिहाजा इस राजकीय कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए सरकार की ओर से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। अब से थोड़ी देर पहले राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया, तैयारियों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दीगर बात है कि उन्होंने पत्रकारों से कोई बातचीत नहीं की। जाहिर सी बात है कल यानी 15 नवंबर को उनको बहुत कुछ कहना है और लोगों को बहुत कुछ सुनना है, लिहाजा उनका कल का इंतजार रहेगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के तौर पर वो क्या कुछ कहते हैं और क्या कुछ नई योजनाओं की सौगात देते हैं, क्या कुछ पुरानी योजनाओं में क्या कुछ डेवलपमेंट है उसके बारे में बताते हैं। 23 साल के झारखंड में स्थापना दिवस पर यह पहली बार हो रहा है कि झारखंड को एक साथ पीएम मोदी और सीएम हेमंत सोरेन सौगातों की बारिश कर रहे हैं। आगामी चुनाव के मद्देनजर ये तमाम योजनाएं जनता को राहत देने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज बाय स्कूप। भाई, इस विंटर सीजन का क्या प्लान है? फैमिली पिकनिक चलते हैं, खुद बनाएंगे और मजे से खाएंगे। इससे अच्छा वाइल्ड वादी वाटर पार्क में फैमिली पिकनिक चलते हैं, जहां इस विंटर सीजन 15 नवंबर से वाइल्ड वादी लेकर आ रहे हैं। पिकनिक स्पॉट जहां चिकन चावल के साथ सारे इंग्रेडिएंट्स, चूल्हा और लकड़ी भी मिलेगी, खुद बनाएंगे और मजे से खाएंगे। और बच्चों का क्या? फ्लावर पार्क, ट्रैम्पोलिन पार्क और हर संडे न्यू इवेंट्स भी तो होंगे। अधिक जानकारी के लिए विजिट वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची।